दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वीवो X50। अब वीवो ने अभी कुछ वक्त पहले ही वीवो X50 को लॉन्च करा था। मैंने भी कुछ वक्त पहले ही इस फ़ोन को लिया है। चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या कुछ आपको इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है और काफ़ी बड़ा बॉक्स है, नेवी ब्लू कलर का बॉक्स है। इसकी सिम को हटाते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स के अंदर क्या मिलता है और फिर फ़ोन के बारे में बात करेंगे। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है। इस फ़ोन का कंपेटिटर है ओप्पो रेनो 4 प्रो, जो कि लगभग सेम प्राइस में आता है। ये फ़ोन आपको मिलेगा तकरीबन 35,000 रुपये का। इसका एक और वेरिएंट आता है जिसमें आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जो कि आपको 38,000 रुपये का मिलेगा। मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें 8 GB की रैम है और 128 GB की स्टोरेज है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप देख सकते हैं बॉक्स काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छे टेक्स्चर के साथ आता है। वीवो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलती है और सामने लिखा है X50 और एक एक्स वाला रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर मिलता है। तो बॉक्स काफ़ी अच्छा से बनाया गया है, बड़ा ज़रूर है पर काफ़ी अच्छा मुझे बॉक्स लगा है। इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा वीवो X50, जिसको आप साइड में देख सकते हैं, लेकिन इसे फ़िलहाल रखेंगे एक तरफ और देखते हैं बॉक्स में और कुछ क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्टिकर्स मिलेंगे। अगर आप ऑफलाइन स्टोर से इस फ़ोन को लेंगे तो शायद इन स्टिकर्स का यूज़ वो लोग करें आपके बिल में लगाने के लिए। और इसके अलावा हमको यहाँ पर मिलेगा एक सिलिकॉन कवर, जिसमें नीचे से भी आपको एक लॉक मिलता है, ताकि ये फ़ोन जो है वाटर अगर आप इस पर गिरा दें, पानी में चला जाए, तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि ये फ़ोन जो है वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलती, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट चीज़ आपको मिलती है आपका वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड और सिम इजेक्शन टू। अगर अगली चीज़ की बात करें तो ये है हमारा पावर अडेप्टर, जिसपे लिखा हुआ है वीवो फ्लैश चार्ज 2.0। तो ये वीवो फ्लैश चार्ज 2.2 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। ये एक 33 वॉट का चार्जर है, जो कि काफ़ी जल्दी आपके फ़ोन को चार्ज कर देता है। लगभग 1.5 से 2 घंटे में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। इस फ़ोन की बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ तो 4200 mAh की, यानी 4200 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है, और मैंने आपको बता दिया है कि 33 वॉट का चार्जर है, तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट चीज़ हमको मिलता है हमारा केबल, जो कि टाइप सी टू 2.0 केबल है, और उसके बाद हमें मिलते हैं हमारे इन ईयर टाइप एयरफोन्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इन पर भी वीवो की ब्रांडिंग है। कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी आपको मिलेंगे, तो वो भी आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और मिलेगी, वो है ये आपको एक कनेक्टर अलग से मिलेगा, टाइप सी टू ऑडियो जैक 3.5 mm ऑडियो जैक, ये आपको अलग से मिलेगा। जिसका सीधा सीधा मतलब है कि इस फ़ोन में कोई भी ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलता है, पर ये कनेक्टर मिला है, ये अच्छी बात है। चलिए ये है हमारा फ़ोन, कुछ इस तरीके का दिखता है। और मेरे पास जो कलर है वो आप देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर ग्लेज ब्लैक कलर है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया है और काफ़ी अच्छा लगता है ये फ़ोन जो है। काफ़ी प्रीमियम लुक्स हैं इसके पीछे, कम्प्लीटली ग्लास बॉडी है और बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ग्लास है ये, तो वो भी आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट एक मिरर की तरह है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिश है। और लेफ़्ट साइड में वीवो की ब्रांडिंग मिलती है, सामने आपको आपकी एक स्क्रीन मिलती है। ये स्क्रीन है 6.56 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले, ये एक HDR10 डिस्प्ले है, और इसमें आपको 120Hz की डिस्प्ले नहीं मिलती है, तो वो इसका एक बहुत बड़ा कॉन है मेरे हिसाब से। इस प्राइसिंग में इतनी अगर डिस्प्ले होती, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले होती, तो बहुत अच्छा होता, बहुत बहुत अच्छा होता। सारे एजेस जो हैं एक से नहीं है, ये जो ऊपर वाला एज है ये आपको मैट फिनिश में मिलेगा, इसके ऊपर भी डिज़ाइन फॉर फोटोग्राफी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये जो है इसे अलग लुक देता है कि ऊपर वाला एज जो है बिल्कुल ही अलग कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। हालांकि जब आप इस पर कवर लगाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ है, पर डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे से काम करा है वीवो ने, तारीफ करनी पड़ेगी। पीछे आपको आपके कैमरा मिलते हैं, 4 कैमरा आपको मिलेंगे, 48 मेगापिक्सल का F1.6 अपर्चर के साथ, 13 मेगापिक्सल का F2.5 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का कैमरा F2.2 अपर्चर के साथ, और एक मैक्रो लेंस मिलेगा 5 मेगापिक्सल का। इसमें आपको वाइड एंगल लेंस भी मिलेगा, पोर्ट्रेट के लिए भी एक लेंस दिया गया है, और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। डुअल LED फ्लैश मिलती है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 4 है। ओप्पो रेनो 4 प्रो जो है ये मुझे काफ़ी हद तक प्रीमियम लगा है X50 से, क्योंकि इसमें कर्व डिस्प्ले भी मिलती है और उसका डिज़ाइन भी मुझे वीवो से ज़्यादा पसंद आया है। तो रेनो 4 प्रो जो है मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया है और तकरीबन सेम ही प्राइस में मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन चलिए वीवो के बारे में भी और बात करते हैं। इस फ़ोन का जो है कैमरा वो काफ़ी अच्छा है, वो भी अभी आपको दिखाऊँगा। तो चलिए इसे सेटअप हमने कर लिया है, और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी अच्छे से काम करता है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये फास्टेस्ट नहीं है ये तो कहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये जो काफ़ी अच्छे से काम करता है और इसमें आपको एरर्स देखने को नहीं मिलेंगे,
फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। आपको आपकी ऐप ट्रे मिल जाती है कुछ इस तरह से स्वाइप करके। इसके अलावा एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, एक चीज़ और जो मुझे पसंद नहीं आई वो है ये कि ये फ़ोन जो है काफ़ी हद तक स्लिपरी है, काफ़ी फिसलता है हाथ से अगर आपने कवर नहीं लगाया है, और अगर आप सिंगल हैंड यूसेज कर रहे हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है इसका इस्तेमाल करने में। सेटिंग्स में ऑब्वियसली आपको जितने भी चाइनीज़ ब्रांड है ये बहुत सारी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन इतना कुछ यूज़फुल मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को बिल्कुल अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करनी है वो यहाँ पर कर सकते हैं, ऑप्शन मिलता है। लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं मिला है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल नाम भी डायरेक्टली सैमसंग से उठा लिया है, प्लीज़ नाम तो अलग रखना था, चलिए वो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये भी आपको यहाँ पर मिलता है। और अगर मैं अबाउट फ़ोन में जाकर दिखाऊं तो आपको दिखाते हैं कि इसमें स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज मिलती है, और ये 2.2GHz का प्रोसेसर है, तो वो भी आपको बता देते हैं। और बहुत सी जगहों पर इसका जो प्रोसेसर है वो ना जाने क्यों स्नैपड्रैगन 765G है, लेकिन वो जो इंडिया में है वो है 730, और ये ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेसर हैं। बहुत से लोग इसको सेम ही बोलते हैं कि एक ही प्रोसेसर के दो नाम हैं, लेकिन नहीं, ये अलग है, और इंडिया में आपको स्नैपड्रैगन 730 ही मिलेगा। ऊपर से आप स्वाइप करेंगे तो कुछ क्विक टॉगल्स मिल जाते हैं, और बस इतना ही है। इस फ़ोन में कुछ खास नया नहीं है, कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं है। हाँ, डिज़ाइन काफ़ी हद तक बदला है और कैमरा पर काफ़ी काम करा है, कैमरा का जो मॉड्यूल है वो भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन पीछे से करा गया है। अब कैमरा में आपको जितने भी प्रोफेशनल चीज़ें हैं सब मिलेंगी, अब पोर्ट्रेट मोड मिलेगा, आपको नाइट मोड मिलेगा, वीडियो के में भी आप काफ़ी हद तक अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें मैनुअल फोकसिंग का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और जितने भी एक प्रो लेवल के फ्लैगशिप फ़ोन में आप कर सकते हैं वो 35,000 रुपये में आप इस फ़ोन में कर पाएंगे। ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी है इस फ़ोन के बारे में। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका जो कलर प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, एकदम एक्यूरेट है, जो शार्पनेस है वो काफ़ी सही है, और कुछ भी दिक्कत मुझे कैमरा में देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अगर मैं नेचुरल लाइटिंग कंडीशन की बात करूँ तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन अगर आप इनडोर लाइटिंग कंडीशन में आएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत कम नॉइज़ देखने को मिलेगी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है ये। आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी बहुत अच्छे से काम करता है इसका कैमरा, तो मुझे इसका कैमरा जो है काफ़ी पसंद आया है। मैं आमतौर पे इतनी तारीफ़ नहीं करता हूँ, पर वाकई में इसका कैमरा अच्छा है। एक दिक्कत ये है कि इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो है नहीं, नॉर्मल एमोलेड डिस्प्ले है, और सिर्फ फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, तो दिक्कत ये हो जाती है कि ये डिस्प्ले जो है बड़ी अजीब सी मुझे लगी है। ये डिस्प्ले जो है शार्पनेस ज़्यादा है इस डिस्प्ले में, तो अगर आप एप्पल यूज़र है या फिर सैमसंग का कोई फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और फिर आप इसको चलाएंगे तो आपको इस डिस्प्ले में नज़र आ जाएगा वो फ़र्क जो है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक टेक गीक नहीं है, आप टेक्नोलॉजी को इतना जल्दी जल्दी स्विच नहीं करते हैं, नहीं टेस्ट करते हैं, तो फिर आपको उतना फ़र्क नहीं भी पता चलेगा। पर इसकी डिस्प्ले जो है कुछ ज़्यादा शार्प है और उसकी वजह से थोड़ी सी अननेचुरल लगती है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप रियर कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, पर फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ फुल एच डी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो ये बात आपको बता देते हैं। और 4K रिकॉर्डिंग भी आप 30 FPS तक कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सामने आपको मिलता है 32 MP का कैमरा f2.5 अपर्चर के साथ। इस फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, 1.5 दिन आराम से चलता है नॉर्मल यूसेज पे। बहुत ज़्यादा अगर आप गेम्स खेलते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें अगर आप चलाएंगे तो भी ये फ़ोन 1 दिन बड़े आराम से चलेगा, और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। तो ओवरऑल ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मुझे इस फ़ोन से ज़्यादा प्रीमियम लुक्स और ज़्यादा प्रीमियम टेक्नोलॉजी मिली है ओप्पो रेनो 4 प्रो में। तो अगर आप थोड़े से 1-2 हज़ार रुपये और डाल सकते हैं तो आप ओप्पो रेनो 4 प्रो को लीजिए, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है एक अच्छा कैमरा तो डेफिनेटली इस फ़ोन का कैमरा ओप्पो के कैमरा से भी बहुत अच्छा है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो करेगा लाइक। मेरा नाम है सूर्यांश, मिलता हूँ आपसे हमारी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, भोती भात माता की जय। जय हिंद।